इजी टू डिजाइन में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे वेरिएबल साइज फिलेट क्या होता है और इसे कैसे यूज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली लेक्चर में हमने सीखा था कांस्टेंट साइज फिलेट। फिलेट वन पे राइट क्लिक करें और इसे डिलीट कीजिए। फ्यूचर्स पे क्लिक करें। यहाँ पे फिलेट कमांड का आइकन दिया गया है, इसके नीचे एक एरो है, इस पर क्लिक करें और फिलेट पे क्लिक करें। फिलेट टाइप में सेलेक्ट कीजिए वेरिएबल साइज फिलेट। आइटम्स टू फिलेट वाले बॉक्स में क्लिक करें। यहाँ पे आपको एज सेलेक्ट करना होगा, वह एज जिस पे आप वेरिएबल साइज फिलेट अप्लाई करना चाहते हैं, तो हम ये सेलेक्ट करेंगे। इसे नीचे की तरफ ड्रैग कीजिए। नंबर ऑफ इंस्टेंसेस, इसे आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, हम 4 करेंगे। इन सारे पॉइंट पे आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से रेडियस इनपुट करेंगे। अनअसाइंड पे क्लिक करें और इसमें इनपुट कीजिए रेडियस, तो हम 5 mm रेडियस इनपुट करेंगे। एंटर कीजिए। तो देखिए ये प्रीव्यू शो कर रहा है कि वेरिएबल साइज फिलेट अप्लाई हो रहा है। दूसरा, हम इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे, रेडियस अनअसाइंड पे क्लिक करें और इसमें रेडियस इनपुट कीजिए, हम 6 mm एंटर करेंगे। अगला, इस पॉइंट पे क्लिक करें और रेडियस अनअसाइंड पे क्लिक करें और इनपुट कीजिए रेडियस, तो हम 7 mm एंटर करेंगे। अगला, इस पॉइंट पे क्लिक करें और इसका रेडियस 8 mm एंटर कीजिए। अगला, हम इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे और इसका रेडियस 9 mm एंटर कीजिए। और इस पॉइंट पे अनअसाइंड पे क्लिक करें और इसका रेडियस 10 mm एंटर कीजिए। और इसे प्रोफाइल को सर्कुलर रहने दीजिए और इसे स्मूथ ट्रांजिशन ही रहने दीजिए और इसे ओके कीजिए। सेलेक्टेड एज पे वेरिएबल साइज फिलेट अप्लाई हो गया। बहुत आसान है, आप प्रैक्टिस करते रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।